और दूसरी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हाईकोर्ट के जजों के सामने न्यायिक सुधार पर अपनी बात रखी। मोदी ने कहा है कि धरती पर जज भगवान का रूप है और न्यायपालिका को और सशक्त होना चाहिए। जो न्याय क्षेत्र में है उनका वैसा नहीं है, वो भले हरेक के बीच में से आए, हम जैसे लोगों से बीच से आए हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको डिवाइन काम के लिए पसंद किया है। आपके इस पास जो काम है वो एक डिवाइन काम है। आपके पास जो काम है, जो ईश्वर आपके माध्यम से करवाना चाहता है, और इसलिए हम लोगों के पास जो काम है और देश के और 125 करोड़ नागरिकों के पास जो काम है, उससे आपका काम भिन्न है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बातें कह रहे थे। जो चीफ जस्टिस हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम वो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, और वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान के तौर पर जजों को यहाँ पर देखा जाता है और उनका जो फैसला देना होता है, इसलिए उसी हिसाब से उन्हें देना चाहिए। और क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने, ये भी आपको सुनाते हैं। कभी कभार ये भी लगता है कि देश को सशक्त न्यायपालिका चाहिए कि समर्थ न्यायपालिका चाहिए, पावरफुल जुडिशरी चाहिए कि परफेक्ट जुडिशरी चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस फोरम में बैठे हुए सभी महानुभाव अपने अपने दायरे में चर्चा करें। हम पावरफुल तो होते चले जा रहे हैं, जितनी तेजी से पावरफुल हो रहे हैं, पावरफुल होना गलत नहीं है, लेकिन उतनी जितनी तेजी से परफेक्ट होना उतना ही अनिवार्य हो गया है। हमारी जुडिशरी पावरफुल भी हो, हमारी जुडिशरी परफेक्ट भी हो, हम सशक्त भी हो, हम समर्थ भी हो। और यह आवश्यकता इसलिए है कि सामान्य मानव के लिए ये एक जगह है। एक ये भी आनंद विषय आ गया बीच में, हर चीज के लिए कानून बनाओ, हर चीज के लिए कानून बनाओ। मैं मानता हूं संविधान अपने आप में हर काम करने के लिए बहुत सारी हमारी व्यवस्था देता है, लेकिन एक बन गया है। और मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानूनों को खत्म करता चलूंगा, इतना बोझ बन गया है जी। मैंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में मेरी कोशिश है कि तुम कानून खत्म करो। अभी मैंने 700 कानून खत्म करने के लिए तो कैबिनेट में से अप्रूवल ले लिया, लेकिन अभी मेरे सामने नजर में करीब 1700 कानून आए, 1700। और मेरा एक सपना था कि मैं पर डे कानून खत्म करूं, हो सकता है 5 साल के मेरे टेन्योर में पर डे कानून खत्म करने का मेरा सपना मैं पूरा करूंगा। ये कानूनों की जंजाल में हमारी पूरी न्याय तंत्र फंसा पड़ा है, और ये जिम्मेवारी एग्जीक्यूटिव की है कि वो इसको ठीक से चिंता करें। और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा, आपके यहां भी एक एक छोटी छोटी टीम बिठा करके जितने बेफिजूल कानून है उसको निकालिए। जितना सरलीकरण हम लाएंगे, सामान्य मानवी को खुद को समझ आएगा कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है। और सब व्यक्ति को अगर समझ आता है तो कोई सामान्य नागरिक कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता, वो कानून के साथ चलने के लिए स्वभाव का होता है, लेकिन उसको कानून के साथ चलने के लिए सुविधा पैदा करना ये हम सबका दायित्व है।